Good morning, students. I am Rajaram, again with motion chapter. In our last class, हमने अपने पिछली क्लास में distance और displacement, speed and velocity का तुलनात्मक अध्ययन किया था, comparative study किया था. Today we are going to take speed and velocity once again in details with the numerical problems. How numericals related to speed and velocity can be solved, how these things can be defined on the basis of numericals. So let's start with speed. As you know, आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. So speed is defined as v is equal to s by t, and its unit is meter per second. Meter per second. This is SI unit. SI unit. Although the units can be bigger, it can be kilometer per hour. Kilometer per hour. इसको km per hour लिखते हैं. इसके अलावा इट कैन बी माइल्स पर आवर लाइक दैट. सो लेट्स सी विथ वन प्रॉब्लम हाउ स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड. व्हाट इज स्पीड एंड मैथमेटिकली हाउ इट इज कैलकुलेटेड. विल टेक ए प्रॉब्लम, एक सवाल लेते हैं और उसको करके समझते हैं स्पीड क्या है. प्रॉब्लम इज a scooter is travels a distance of 3 kilometers in 5 minutes. 5 minutes. Calculate. What you have to calculate? First one question is speed in meter per second, and second one is speed in kilometer per hour. एक सवाल है आपके सामने. दिस इज अ प्रॉब्लम. ये स्कूटर इज, स्कूटर चलाता हुआ व्यक्ति ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स. 5 मिनट में 3 किलोमीटर पहुंच जाता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी. स्पीड निकालने के 2 तरीके पूछे गए हैं. एक है मीटर पर सेकंड में आप कैसे निकालोगे, दूसरा किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालोगे. सबसे पहले वेन एवर ए प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन. इफ वील गो फॉर सॉल्यूशन, सी हियर व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर्स, इसको आपको मीटर पर सेकंड बनाना है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इनटू 1000 मीटर्स, देयरफॉर डिस्टेंस विल बी 3000 मीटर. दिस इज फर्स्ट थिंग. आई एम रबिंग दिस वंस अगेन. नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइम. व्हाट इज टाइम टी. What is that? 5 minutes. Again, see, 5 minutes means what you have to do? Convert it into second, into 60 seconds. Time t is 5 minutes. You have to convert it into second. Second में इसको बदलना है. तो 5 into 60 seconds, it will become 300 seconds.
second. Now you have to find out the speed first in meter per second. Let's do here. We know that what we know, v is equal to s by t. स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है. सो व्हाट इज हियर, व्हाट इज एस हियर, 3000, टी इज 300, तो डेफिनेटली इट बिकम कितने में जाएगा, 10 बार. अगर आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट का आंसर है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. उस क्वेश्चन के लिए दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. ये पहला. दूसरा पूछता है किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर करने के लिए क्या करेंगे, इसी आंसर को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट सी, किलोमीटर पर आवर. अगर आप देखेंगे इसको यही फॉर्मूला में, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलरेडी 3 किलोमीटर. तो किलोमीटर पर आवर में बदली करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, डिवाइड 10 मीटर पर सेकंड को इनटू कर दो 18/5 से. वाई 18/5, आप देखेंगे 5 × 2 = 10. 18/5 एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो कन्वर्ट दिस आंसर इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 18/5. वाई 18/5, अगर आप देखेंगे एक किलोमीटर कितने का होता है, 1000 meters, राइट. और ये क्या था, 5 मिनट्स था. इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक आवर कितने का होता है, 60 × 60 seconds. अगर आप इसको निकाल के देखेंगे विल गेट 1000/6 = 36, 3600 seconds. अगर इसको आप कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके देखें तो व्हाट यू विल गेट, 2, ये 2 0 कट गए, 2 5 = 10, 2 18 = 36. तो 5/18 इसको कन्वर्ट करना है. ये दोनों रिवर्स आइदर यूज हो सकते हैं. मीटर पर सेकंड से आपको चेंज करना है तो आप 5/18 करेंगे, और किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 करेंगे. अब इसमें आप करके देख लीजिए, ये दोनों कंडीशन में ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है. 5 × 2 = 10, 2 × 18 = 36 km/h. सो दिस इज द आंसर. आपने देखा कैसे कन्वर्ट किया, दो पार्ट, एक तो हमने मीटर पर सेकंड निकाला, दूसरा उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया. कन्वर्ट करने का टेक्निक यही है, क्योंकि एक मीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में, और एक 1 आवर में 60 × 60 3600 सेकंड्स होता है. इफ यू डिवाइड विद दिस कॉमन नंबर यू विल गेट 5/18. तो वेन एवर यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई 5/18. किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो आपको 5/18 से गुणा करना है. अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है. तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपको यूनिट कन्वर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट स्पीड, और उसके लिए न्यूमेरिकल. इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. Thing is that you have to check what is given in the question first. This is foremost duty whenever you are going to solve this problem. Then identify the given quantities. Then find out the question mark. Here what is question mark? Here speed v is equal to question mark. आपको speed निकालना है. और speed निकालने के लिए दो तरीका आपको बताया था. एक meter per second में निकालना है और एक kilometer per hour में निकालना है. तो आपने देखा ये कैसे निकला. इसी तरह के सवाल आपको स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस में करना है. इवन वेलोसिटी में भी सेम चीज अप्लाई होता है. वेलोसिटी में भी सेम चीज अप्लाई होता है. हालांकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
एंड स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. इतना ही फर्क है. वेलोसिटी जब आएंगे हम आपको बताएंगे. वेलोसिटी में हम v इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा t यूज करते हैं. जब मैं वेलोसिटी में आऊंगा तब आपको उसको समझाऊंगा. अभी हम देखते हैं स्पीड के कितने रूप हैं. स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एवरेज स्पीड है. इन तीनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे. तो लेट्स गो टू यूनिफॉर्म स्पीड. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान चाल. एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? स्पीड तो आपने समझ लिया, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल या स्पीड कहते हैं. व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, लेट्स सी व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, मोशन पढ़ाते समय आपको स्टार्टिंग में बताया था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वैसे स्पीड भी यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है. यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन थर्ड पॉइंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एंड कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सी सपोज यहाँ से ये 50 किलोमीटर गया 1 आवर में, इसके बाद अगेन 50 किलोमीटर 1 आवर में, फिर सी से डी की पास तरफ गया 50 किलोमीटर इन 1 आवर. इफ यू सी दिस ग्राफ. अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है. मैं बना के दिखाऊंगा आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए और रेस्ट के लिए कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. इसी में हम ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे. यहाँ पे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. इसको हम कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोलते हैं. इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं. यानी कि इसमें शुरू से लेके लास्ट तक एक ही डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसा फर्स्ट एक पॉइंट को ए से बी क्रॉस किया, 50 किलोमीटर कवर किया, एक घंटा का टाइम लिया, बी से सी में पहुंचा 50 किलोमीटर, फिर एक घंटा का टाइम लिया, सी से डी में पहुंचा 50 किलोमीटर, फिर एक घंटा का टाइम लिया. अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें, आपको मैं यहां दिखाता हूं एक ग्राफ कैसे बनाते हैं. इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इफ यू प्लॉट लाइक दिस, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया है. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जीरो से स्टार्ट होगा. एक तरफ में आप लेंगे डिस्टेंस, एक तरफ में आप लेंगे डिस्टेंस, एक तरफ आप लेंगे टाइम. यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिस्टेंस क्या है, 50 50 50. तो इसका मतलब आप स्केलिंग में इसको जैसा 50 डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, 100, 150, 200, राइट. टाइम में अगर देखें 1 आवर, तो मिनिमम हम यहाँ से 1 आवर लेते हैं, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे आपको जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको स्केल लिखना पड़ेगा. स्केल आपने मैथ्स में सीखा है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. आप इस तरह का टेबल भी इसमें बना सकते हैं, एक टेबल भी बना सकते हैं. मैथमेटिकली जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप टेबल बनाते हैं,
सिंपल सा है. अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो फर्स्ट वन आवर में आप देखेंगे, फर्स्ट वन आवर में ये पहुंचा है 50 किलोमीटर, सेकंड वन आवर में 50 प्लस 50 100 में आ गया. अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो आपका ये, फिर थर्ड में ये 150 में आया. इस तरह अगर आप देखेंगे तो 200. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. सी, अगर आप इसको जीरो से जोड़ते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ रहा है आगे को. यानी कि इसका डिस्टेंस में कोई इक्वल इंटरवल में बराबर हो, एक 50 किलोमीटर चला है तो ये जो ग्राफ है ये स्लोप है, इसको बोलते हैं असेंडिंग स्लोप, चढ़ता हुआ स्लोप. इस तरह का ग्राफ आपको कहीं देखने को मिलता है तो ये है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये स्पीड का ग्राफ है. स्पीड में जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी में जो बनता है उसको हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ. जब वेलोसिटी में जाएंगे हम आपको दिखाएंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे ही आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि वो स्पीड के बारे में बात कर रहा है. वो स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकता है. देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसे बनता है. क्या नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा, कर्व्ड होगा, जिगजैग होगा. तो एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर दूं जल्दी से. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. दिस स्पीड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्पीड बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन एन इवन स्पीड. एक ही स्पीड होता है यहां से लेके वहां तक, ज्यादा भी नहीं होता है, कम भी नहीं हो रहा है. तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है स्लोप बनता है, इंक्रीजिंग स्लोप. इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है. तो इस तरह का जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको कोई भी पैरामीटर दिया होगा, जैसे मैंने 50 किलोमीटर और एक घंटा लिया, आपको 5 किलोमीटर एक मिनट, 5 किलोमीटर एक मिनट, 10 किलोमीटर दो मिनट, 15 किलोमीटर तीन मिनट, इसका मतलब हर एक के बीच में एक एक मिनट का डिफरेंस है और हर एक डिस्टेंस के बीच में 5-5 किलोमीटर का गैप है. तो डिस्टेंस और टाइम दोनों के इंटरवल्स बराबर हों, दोनों के बीच में गैप बराबर हों, इवन हों, ऐसे सिचुएशन को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. सेकंड में देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जस्ट इसका उल्टा है. जस्ट इसका उल्टा है. सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं असमान चाल. आसमान चाल, यहां पे देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई वस्तु असमान दूरी एक निश्चित समय अंतराल में तय करता हो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. जस्ट फर्क क्या है, उसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम था, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है. सपोज यही एग्जांपल मैं दोबारा ए बी सी डी आपको दिखाऊं, इफ आई शो दिस, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ए टू बी विच इज 40 किलोमीटर, ओके, देन इट कवर्स 60 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, दिस इज फर्स्ट आवर, दिस इज सेकेंड आर, दिस इज थर्ड आर, लाइक दैट. उसके बाद फिर ये आया 50 किलोमीटर पे, उसके बाद फिर ये चले गया 70 पे, इस तरह से. अगर आप देखेंगे अन
इक्वल डिस्टेंसेस. फर्स्ट 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर तय किया, दूसरे 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर तय किया, तीसरे 1 आवर में 50 किलोमीटर एंड फोर्थ 1 आवर में 70 किलोमीटर. तो हर घंटे में इसका चाल बदला है. हो सकता है बीच में कहीं नाश्ता करने रुक भी गया हो 1 घंटे के लिए, तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मान लीजिए सी के बाद उसको भूख लग गई, सी से डी के बीच में कोई डिस्टेंस चला ही नहीं और वो बैठा रहा 1 घंटा, तो डी में 60 से शुरू करेगा. तो 1 घंटा जो उसका रेस्ट का पीरियड है वो भी आप ग्राफ में दिखा सकते हैं. मेरा कहने का मतलब, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसी को हम देख लेते हैं. इसको मिटा देते हैं. सेम सिचुएशन हम देखेंगे. फर्स्ट केस में 1 आवर में 40, तो 40 यहाँ कहीं होगा, यहाँ नीचे, क्योंकि इसको 5 सेक्टर में डिवाइड कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50. उसके बाद सेकंड में 60, सेकंड आवर में आप देखेंगे तो 60 यहाँ आएगा. हम ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं. उसके बाद थर्ड में 50, यानी कि 60 के बाद 50 हुआ तो कितना, 60, 50, 110. तो दिस विल बी समवेयर हियर. इस हिसाब से ये इधर कहीं होगा. फोर्थ आवर में फिर 70, तो 110 के बाद 70, 180 मीन्स लगभग इस पॉइंट में कहीं होगा ऐसा. इफ यू सी दिस, यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट किया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया. आप देख रहे हैं कर्व लाइन, तो दिस लाइन इज कर्व्ड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो लाइन होता है हमेशा कर्व्ड लाइन होता है. अगर बीच में रेस्ट है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा. बीच में रेस्ट है तो, जैसे इस केस में अगर रेस्ट किया है तो उतना 1 घंटे के लिए लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा. तो इस तरह से जो टेढ़े मेढ़े लाइन होते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होता है. यूनिफॉर्म में स्ट्रेट स्लोप चढ़ता हुआ जिसको हम कॉन्स्टेंट स्पीड बोलते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उसका ग्राफ इस तरह से कर्व्ड बनता है या वक्रीय रेखा बनता है. इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड. इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड. पहले वाले को क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंट स्पीड. दूसरे वाले को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी कि ये असमान है, कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, कभी बहुत तेज कभी बहुत धीमा. दुनिया में मैक्सिमम जितने भी मोशंस हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल स्पीड में आते हैं. जैसा आप सुबह घर से निकलते हो तो नेचुरली अगर सड़क खाली है तो आपका व्हीकल बड़ा स्पीड से निकलेगा, ट्रैफिक जाम है तो स्लो हो जाएगा, टाइम तो खा रहा है लेकिन डिस्टेंस कम कवर करेगा. या फिर जहाँ रोड खाली मिला आप स्पीड से निकल गए. तो इस वजह से जितने भी हमारे डेली लाइफ के मोशंस हैं ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी में आते हैं. इसलिए मोशन को स्टडी करने के लिए एक्यूरेसी की, अगर ये 40 किलोमीटर पहले 1 घंटे में चला, फिर 60 चला, फिर 50 चला, फिर 70 चला, तो आप इसका एक्चुअल स्पीड कैसे निकालेंगे कि वास्तव में ए से लेके ई तक पहुंचने तक गाड़ी का एक्चुअल स्पीड क्या था. तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड. इसीलिए इसमें एक और एस्पेक्ट है तीसरा एवरेज. पहला था यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, अब तीसरा हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इसी एग्जाम्पल को रख के हम आपको एवरेज स्पीड देख सकते हैं. तीसरा नंबर पे आएगा एवरेज स्पीड.
इसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। पहला था एक समान चाल, दूसरा था असमान चाल, तीसरा है औसत चाल। ये बहुत ज़रूरी है ये निकालने के लिए। मैंने जैसे अभी कहा कि नॉर्मली चीज़ें इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय नहीं करती। हम अपने डेली लाइफ में हमने इसको महसूस किया है, ट्रैफिक की वजह से और बहुत सारे कंजेशन की वजह से हम अपना स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। स्पीड हमारा वैरी करता है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो उस स्पीड को स्टडी कैसे करेंगे, उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई स्पीड कितना है। अभी इस एग्जांपल में ही हम ले लेते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम टेकन। थोड़ा सा फर्क है, आप देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना दूरी तय किया, कितना टाइम लिया, दैट इज स्पीड, जिसको हम यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे एवरेज स्पीड को हम एएस बोलते हैं, औसत चाल। इसके ऊपर ऐसा करेंगे, यहां पे आएगा ये टीडी, या डिस्टेंस को हम टीएस बोलते हैं, इसलिए टीएस बाई टीटी। व्हाट इज टीएस एंड टीटी, सी यहां से स्टार्ट किया इसने, तो आप क्या करेंगे, इसको 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 चारों को जोड़ लेंगे, चारों को जोड़ लेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको चार घंटे से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस मींस डिस्टेंस वन, डिस्टेंस टू, डिस्टेंस थ्री, डिस्टेंस फोर, ये चारों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, जितना भी है, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमको, स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को जोड़ना है, यही है एवरेज। अगर इस केस में आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप आंसर निकाल के देखेंगे, 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70 किलोमीटर्स, टाइम है 1, 2, 3, 4 आवर्स। आप इसका स्पीड निकाल के देखिए, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एस बाई टी। अब ओरिजिनल स्पीड आपके निकल जाएगा 150 और 70, 220, 220 किलोमीटर बाय 4 आर। अब इसको आप जो भी करना जोड़ घटाओ करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, और किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे, 18/5 कर लेंगे, जैसे इसका पहले मैंने आपको बताया था, और मीटर पर सेकंड को उसमें कन्वर्ट करना है तो 5/18 कर लेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, यानी कि इस तरह के सिचुएशन में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के सिचुएशन में, जब भी हमको न्यूमेरिकल करना होता है, स्पीड कैलकुलेट करना होता है, तो हम एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इज, यू हैव टू काउंट इट लाइक दिस। यूनिफॉर्म के केस में क्या था, 50 50 50 50, 200 बाय 4, इसमें 220 बाय 4। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर एवरेज स्पीड, यानी कि कम से कम एक व्हीकल हर घंटे में इतना किलोमीटर चला है, यानी कि हर घंटे का एवरेज आ जाएगा, हर घंटे में कम से कम इतना चला। एक्चुअल में पहले घंटे में 40 किलोमीटर चला, दूसरे में 60, तीसरे में 50 और चौथे में 70, हर एक घंटे में अलग अलग स्पीड में चला है। लेकिन अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो मिनिमम किलोमीटर बता देगा कि एक घंटे में कम से कम एक गाड़ी कितना किलोमीटर चला, तो उसका आंसर में निकल जाएगा,
आप ये आंसर खुद निकाल के देखिए प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये जो आंसर बताएगा वो स्पीड एवरेज बताएगा, ये गाड़ी एवरेज इतना चला है प्रत्येक घंटे। सो दिस इज अबाउट स्पीड। वी हैव सीन स्पीड हैज थ्री एस्पेक्ट्स, वन इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड थर्ड वन इज एवरेज। सेम चीज वेलोसिटी में भी है, हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑल्सो मोर और लेस सिमिलर टू स्पीड। जिस तरह का न्यूमेरिकल हम वेलोसिटी स्पीड के लिए करते हैं, वैसे सेम न्यूमेरिकल सेम यूनिट्स वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाते हैं, खाली टर्मिनोलॉजी में डिफरेंसेस है। जैसा आपने स्पीड के लिए देखा था, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड यानी कि दिस वी इज इक्वल टू एस बाई टी। सिमिलरली वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी में v, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट v आएगा, यहाँ पे इटैलिक v, v इज इक्वल टू दिस इज वन साइन डेल्टा s बाय डेल्टा t। एक वर्ड है डेल्टा, ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम, ये ट्राइंगल नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा ऐसा लंबा है आप देखेंगे ऐसा, डेल्टा ट्राइंगल तो आप ऐसा बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा फर्क है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा एक साइन है डेल्टा का, ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा, तो ये डेल्टा का डी है। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वेलोसिटी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, चीज एक ही है तरीका उसका पैटर्न अलग है। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड। कन्वर्शन जो आपको मैंने बताया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, इसमें भी सेम चीज हम कर सकते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, खाली टर्म यूज किया जाता है वेलोसिटी, जहां पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन हो, किसी प्लेन का वेलोसिटी या किसी सेटेलाइट का वेलोसिटी या किसी शिप का वेलोसिटी जो भी है। तो वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन इसमें शामिल है और स्पीड में डायरेक्शन शामिल नहीं, बस इतना ही फर्क है और इसमें कोई मेजर फर्क नहीं है। वेलोसिटी में भी आपको इसी तरह के तीन एस्पेक्ट मिलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। जैसा अभी मैंने बताया, यानी कि एक यूनिफॉर्म जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, ये अर्थ है, ये सन के चारों ओर घूमता है, तो इसका एक निश्चित टाइम फिक्स है और घूमने की वजह से इसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, तो ये वेलोसिटी है। और ये 365 डेज में कंप्लीट करता है, तो ये टाइम पीरियड इसका फिक्स है। तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम चीज नॉन यूनिफॉर्म में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चीजें वही है, फॉर्मूला भी एक जैसे ही है, उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। आपको क्वेश्चंस निकालने हैं तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कभी स्पीड पूछता है तो आपको ये वाला यूज करना है, अगर वेलोसिटी पूछता है तो ये वाला यूज करना है, चीजें वही है। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, इस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह मैंने कहा था आपको, हर एक घंटे में या हर एक टाइम इंटरवल में उसने कितना डिफरेंट डिस्टेंस तय किया, डिस्प्लेसमेंट उसको प्लस करना है, उसके बाद हमको एवरेज निकालना है, बस इतना ही है, सेम चीज है दोनों। तो ये था स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को मैंने इसलिए एलाबोरेट किया कि यही चीज आपको इसमें रिपीट करना है।
अगर डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, थोड़ा सा जल्दी से एक ग्राफ मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, एक वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से वापस इधर आ गया। वेलोसिटी तो है इसमें क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ, एक घंटे के बाद यहाँ पहुँचा 50 किलोमीटर में, फिर दो घंटे के पास 100 में पहुँचा, 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या हुआ, फिर चौथे घंटे में ये वापस यहाँ आ गया। यानी कि इसका ग्राफ ऊपर को नहीं जाएगा, रिवर्स में आ गया, माइनस में। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जैसे आपको पहले बताया था, याद कीजिएगा, एक पर्सन ए से बी तक चला, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, और बी से फिर वापस आ गया ए में, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 मीटर हो गए इसके डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गया, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होता है उसका वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी के लिए पोजीशन चेंज होना जरूरी है। यहां से स्टार्ट किया, 100 किलोमीटर के बाद वापस उसी जगह पे आ गया, नहीं उसी लेवल पे आ गया, टाइम उसने कंज्यूम किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी के जो ग्राफ होते हैं उसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, और स्पीड का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर एक्सेलरेशन। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।